नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका नाम शो नहीं कर रहा है। आपका नाम राशन कार्ड पे है ऑलरेडी है, या आपने आयुष्मान कार्ड पहले बना चुका है लेकिन आपका नाम शो नहीं कर रहा है, तो आपको किस तरह से शो करना है। और जो नहीं बनाए हैं उसका नाम राशन कार्ड में है, उसको कैसे आयुष्मान कार्ड बनाना है, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो पर मैंने कवर किया है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो बेनिफिशियरी वाला है वो उसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको ऑपरेटर है या CSC है, जो जो भी है आप उस हिसाब से उसको बना सकते हैं। तो मेरे पास CSC है, मैंने यहाँ पर CSC लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। और आपको ये बता दूँ, ये वीडियो यदि अच्छा लगे हो तो प्लीज़ एक दूसरे को जरूर शेयर करें, ताकि सबका आयुष्मान कार्ड बन सके और वो आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सके। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर मैंने CSC लॉगिन कर लिया है, उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, OTP आएगा। OTP को मैं फिल कर दूँगा, उसके बाद कैप्चा डालूँगा। चलिए यहाँ पर मैं कैप्चा डाल लेता हूँ। आपको मैं ये बता दूँ, ये आयुष्मान कार्ड सबको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको आपका 5 लाख तक का मुफ्त इलाज इसमें हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मेरा वेरीफाई हो गया, उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर हम डालेंगे। आधार नंबर हम यहाँ पर अपना टाइप कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कैप्चा डालेंगे। यहाँ पर आपको ये लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह का सस्पेशन नहीं होने। तो आप कहेंगे कि नहीं ये फिर दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर अब इसको कैप्चा फिल कर लेता हूँ, उसके बाद इसको सर्च पे लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, नो बेनिफिशरी फाउंड इन गिवन सर्च कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नाम नहीं आया, ये खुद का मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बी और यहाँ पर जाएंगे, सेम सब सेम से यहाँ पर चेंज करेंगे, BOCW करेंगे, उसके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और कैप्चा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरा नाम शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको बना के रखा है, तो मेरा वेरीफाइड आएगा। और जो नहीं बनाया है उनका क्या होगा, यहाँ पर KYC के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आशा करते यदि तब भी शो नहीं करता है तो आपको क्या करना है, एक बार फैमिली आईडी डाल के देखना है। आधार नंबर जहाँ डालें वहाँ पर क्लिक करना है, वहाँ पर फैमिली आईडी, तो वहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर डालना है। तो ये दोनों कैटेगरी में आपको करना है, PMJY करके भी और उसका BOCW करके भी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।